तो गाइस ये लोग कर रहे हैं मस्ती नल्स के साथ। ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। ये देखो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ बहुत ही खतरनाक नहर, जिसको यहीं पर है एक मंदिर। इस नहर को भी दिखाऊंगा आपको, यहाँ स्थित एक मंदिर भी दिखाऊंगा। तो गाइस ये है बहुत ही डेंजर नहर, जिसको देखकर घबरा जाएगा कोई भी। ये देखो, इसमें अगर कोई धोखे से भी गया तो बच नहीं पाएगा। बहुत ही खतरनाक नहर है, लहलहाती कलकलाती नहर। इसको मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसी नहर मैंने कभी देखी नहीं। इतनी डेंजरस नहर है, ऐसे लग रहा है जैसे फुल मस्ती में चल रही हो। तो इसकी आवाज़ भी आप लोग सुनना चाहते होंगे, तो थोड़ी सी आवाज़ मैं इसको आपको सुना देता हूँ। तो गाइस यहीं पर है ये पावन पर्व स्थान, जिसके अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर, हरा भरा और प्राकृतिक बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ देखने में एकदम दिल खुश हो जाता है। जाओ, पानी ही पानी है उधर, बहुत पानी है। हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और जैसे ही प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे लगा हुआ है हैंडपम्प। ये हमारे दीपक और हमारे केतन, ये लोग पी रहे हैं पानी। देखिए किस प्रकार का हैंडपम्प है, शायद ऐसा हैंडपम्प आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत ही मस्त अजीब प्रकार का हैंडपम्प है, इतना बड़ा डंडा है, हैंडपम्प है, और ये लोग ऐसा खड़े होकर ही पानी पी सकते हैं। ऐसा हैंडपम्प आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो देख लो। प्योर जल, कैसा पानी है इसका? इसका पानी बहुत ही मीठा है, बहुत मीठा है, ठंडा भी होगा, है ना? हाँ, ठंडा भी। और ये हैंडपम्प का पानी हमेशा ठंडा रहता है, कितनी भी गर्मियों में लोग आते हैं यहाँ पर पानी पीते हैं, रुकते हैं, क्योंकि ये पूरा पीछे साइड हाईवे रोड ही है, यहाँ से लोग जाते आते रहते हैं। यहाँ का पानी, यहाँ का डेकोरेशन, हरियाली भरा स्थान, तालाब का किनारा, मंदिर, बहुत ही शोभनीय और अच्छा स्थान है। यहाँ लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और यहीं पर घूमते हैं, पिकनिक वगैरह भी मनाते हैं, पार्टी भी मनाते हैं। जैसा कि आपको देखने से लग रहा होगा कितना मदमस्त एरिया है। यहाँ ये मंदिर है ये साइड, जो कि बहुत ही हरा भरा और नेचर प्रकृति से बना हुआ है, पूरा प्रकृति से सजाया हुआ है, यहाँ बहुत अच्छी धरोहर है। तो यहाँ दीपक भी मज़ा ले रहा है। तो दीपक, यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर बहुत ही मस्त लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम एक वन में आ गए हैं। हाँ, ये वन एकदम स्वर्ग जैसा वन है ना? हाँ। केतन, आपको कैसा लग रहा है इधर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा नेचर एकदम प्रकृति से मिला हुआ है ना, इसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन कर लेते हैं। इतने सुंदर वन में आए हैं, एकदम स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है, चारों तरफ हरियाली, पेड़, कुआं, नल। तो आपको एक काफ़ी पुराना कुआं भी है इधर, जो आपको दिखाने जैसा है, दिखा देता हूँ। ये देखिए कुआं है, ये दीपक
नल भी चला रहा है, कुआ है, कुआ के पास नल भी लगा है कुआ के अंदर ही, और वो पानी भी आ गया। और कुआ काफ़ी गहरा कुआ है, अच्छा कुआ है गाइस, मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना गहरा कुआ, और ये इसमें से देखो तो पानी भी आता है। ये है हनुमान जी महाराज जी और भोलेनाथ नंदीश्वर बना। जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चलो घंटा बजाओ दीपक, दीपक ने तो बजा दिया। केतन बजा पाएगा क्या, घंटा बजा पाएगा? नहीं बजा पा रहा है, नहीं बजा पा रहा है, नहीं बजा पा रहा है। आ बजा दिया, सहवास सहवास बजा दिया। जय बोलो शंकर भगवान की जय। ये देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है हनुमान जी महाराज का। दीपक निकाल रहा है अभी पानी इस कुएं से, पानी तो है फिर भी ये कुएं से निकालने की कोशिश कर रहा है, तो निकाल पाता है कि नहीं देखते हैं। इसने बाल्टी तो कुएं के अंदर डाल दी है, धीरे धीरे अंदर भी डाल रहा है। ये देखो बाल्टी भर चुकी है, निकाल रहा है पानी को बाल्टी के अंदर, बहुत ही मस्ती करता है ये दीपक। तो गाइस फाइनली पानी निकाल लिया है दीपक ने, ये देखो ये देखो ये देखो, फुल बाल्टी भर के ऊपर तक लेके आ गया है। प्योर पानी है, एकदम नेचुरल पानी है। तो गाइस ये लोग कर रहे हैं मस्ती नल्स के साथ, ये देखो ये देखो ये देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, ये देखो लंबाई है उतना ही बड़ा ये पंप है, हैंड पंप ना। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग लाते रहते हैं ऐसे ही मस्त मस्त अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।